आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास के साथ ही आगे। आप जब आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, आपकी क्लास बढ़ेगी, आपको कोऑर्डिनेट एक लेबल में मिलता जाएगा और एक बढ़िया से इसको समझने और सीखने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आज ही से आप इस कोऑर्डिनेट को बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि ये आगे चल करके IIT एंड अदर कंपटीशन में इसका बहुत ही बड़ा यूज है। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम पॉइंट के बारे में जानेंगे कि पॉइंट क्या होता है, और पॉइंट के लिए एक्सिस को जानेंगे, साथ में इसको एक्सिस जानेंगे। एक्सिस और पॉइंट को हम जानेंगे। तो किसी प्लेन में, यह एक प्लेन है, 2D प्लेन, टू डायमेंशन। इस किसी प्लेन में सपोज करो हमने एक दो परपेंडिकुलर लाइन ले लिया, किसी प्लेन में हमने दो परपेंडिकुलर लाइन ले लिया, ये थोड़ी सी सीधी बनाया जाए, जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, यानी ये 90 डिग्री बना रहे हैं, और ये जो आप लाइन देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं। और इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, इसे हम एक्स एक्सिस, वर्टिकल जो लाइन है उसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। और यह जो दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन, इसको हम ओ से डिनोट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस को हम इस वाले पार्ट को OX और इधर वाले पार्ट को OX डैश, वाई एक्सिस के इस वाले पार्ट को YO और इस वाले पार्ट को OY डैश से डिनोट करते हैं। आप देख सकते हैं कि यह दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, और यह चार भाग बना रहे हैं, फोर पार्ट बना रहे हैं मिलकर के, और इन फोर पार्ट का नाम, इस फोर पार्ट को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। इसे हम कहते हैं इस पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से आपने सबसे पहले ये जाना कि दो वर्टिकल, दो लाइन जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, और वह एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है, किसी 2D प्लेन में, टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो 3 डायमेंशन भी होता है, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जैसा कि आप पढ़े होंगे 3D फिगर। तो यहाँ पे 2 डायमेंशन की अगर बात करें, तो यहाँ पे आप देखें 4 क्वाड्रेंट बना रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों दो दो पार्ट में बटे हुए हैं। इस पार्ट को आप देख सकते हैं OX पार्ट, और इसको OX डैश पार्ट कहते हैं। इसको हम ये बोल सकते हैं कि यह पार्ट जो है ओरिजिन से राइट साइड में है,
और यह पार्ट ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे है, और इस पार्ट को बोलना होगा वाई एक्सिस को। तो यह आपका पार्ट अपवर्ड है, ओरिजिन से ऊपर है, और यह पार्ट डाउन है। तो यह आपका, इसमें भी आपने देखा कि यह राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये अप, ये डाउन, इस तरह से। तो हम अब पढ़ेंगे पॉइंट के बारे में। पॉइंट क्या होता है, कैसे उसको हम उसके बारे में जानेंगे, कैसे लोकेट करेंगे इस 2D में, इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लेन में। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने यहाँ पर एक पॉइंट ऐसे ले लिया, आपको ये इसका नाम दे दिया ए। तो ये यह ए पॉइंट कहाँ है, इसका लोकेशन बताने के लिए, इसकी स्थिति बताने के लिए हम करते क्या हैं। तो सबसे पहले इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, और उसी पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। चलिए आप डालिए, आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, इसका नाम आप एम कर दीजिए। आपने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला, इसका नाम आप एन कर दीजिए। तो आपने जो यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला है, ये वाई डिस्टेंस हो रहा है। आप देख सकते हो कि एम जो है वह वाई पे चल रहा है, चाहे ऊपर चाहे नीचे। जब भी हम ऊपर जाएंगे इस लाइन से या नीचे आएंगे, तो वह डिस्टेंस हमारा वाई के लिए होगा। जब हम लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे, तो वह डिस्टेंस हमारा एक्स के लिए होगा। तो आप देख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यह सबसे पहले हम एक्स की स्थिति बताते हैं, एक्स एक्सिस का। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ एक्स और वाई, तो यह एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हमें एक ब्रैकेट में एक्स की पोजीशन एंड कॉमा वाई की पोजीशन बतानी होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्स की पोजीशन आपका क्या है। तो एक्स की पोजीशन, एक्स पर जो चलते हैं, जितना डिस्टेंस चलते हैं, वो एक्स की पोजीशन होती है। आप देख सकते हैं एक्स पर आप ए एन चल रहे हो, तो यह आपका ए एन हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस चल रहे हो। या आप ए एन बोले चाहे ओ एम, तो इसको आप ओ एम भी कह सकते थे। और क्योंकि ओ एम जितना होगा उतना ही आपका ए एन होगा, क्योंकि यहाँ एक रेक्टेंगल बन रहा है। और इसके बाद यहाँ पे यह ए एम होगा वाई, और इसी को सपोज करो कि हमने एक्स ले लिया, तो यह एक्स हो गया, यह एक्स डिस्टेंस पे है, और यह अगर वाई डिस्टेंस पे है तो यह आपका वाई हो गया। तो इस तरह से आपने पॉइंट को समझा कि अगर 2D में कोई पॉइंट दिया गया है, तो सबसे पहले वो एक ब्रैकेट में फर्स्ट पोर्शन जो होता है वो एक्स डिस्टेंस के लिए होता है, एक्स एक्सिस का पर चला हुआ डिस्टेंस होता है, और वाई कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट के लिए वाई के रिस्पेक्ट आपका जो डिस्टेंस चलता है ऊपर या नीचे, तो उस पे हम उसको बताते हैं। तो इस तरह से आपने ये समझा कि पॉइंट क्या है। अब बात करेंगे वो किस क्वाड्रेंट में है, वह साइन से पता चलेगा, किस उसकी साइन क्या है एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की, वह आपको पता चलेगा उसके पॉजिटिव निगेटिव से। ध्यान दीजिएगा, फॉर एक्स क्वाड्र एक्सिस, ओ एक्स डायरेक्शन इन ओ एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव, इन ओ एक्स डैश डायरेक्शन
निगेटिव। जब हम एक्स एक्सिस पर राइट साइड में चलेंगे इस ओरिजिन से तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन चलेंगे, और अगर हम लेफ्ट साइड में चलेंगे तो हम निगेटिव डायरेक्शन चलेंगे। ये आपको याद रखना होगा। एक्स पर जब भी, और एक्स पर राइट चलने में दोनों पार्ट आ जाएगा, आप देख सकते हैं ये पूरी लाइन से लेफ्ट राइट, इस पूरी लाइन से लेफ्ट राइट, मतलब यह भी क्वाड्रेंट हो गया और यह भी क्वाड्रेंट हो गया, इसी तरह लेफ्ट में ये दोनों क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो इस तरह से आपको समझना चाहिए कि यहां पर एक्स जो है पॉजिटिव है। इस तरह से इसमें भी आप कह सकते हैं कि एक्स पॉजिटिव है, अभी वाई के लिए नहीं, और इसमें बोल सकते हैं कि एक्स निगेटिव है, और इसमें भी एक्स आपका निगेटिव है, अभी वाई की बात करेंगे। तो आप जब जानते हैं कि इस वाई के, वाई एक्सिस के अगर राइट साइड में है एक्स पर आप चल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं, तो वह दोनों क्वाड्रेंट फर्स्ट और थर्ड में एक्स एक्सिस का साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और वाई एक्सिस के अगर आप लेफ्ट साइड में हैं तो एक्स एक्सिस का दोनों क्वाड्रेंट का साइन जो होगा वह निगेटिव होगा। सिमिलरली अब वाई एक्सिस की बात करें तो यह एक्स एक्सिस जो आपका है, इस एक्स एक्सिस के अगर आप ऊपर जाएंगे वाई के लिए और एक्स एक्सिस के आप नीचे आते हैं वाई पे, तो यहां पे यह डायरेक्शन जो होगा ऊपर के लिए वो पॉजिटिव होगा और नीचे के लिए निगेटिव होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, उसमें ये पूरी लाइन एक्स एक्सिस से मतलब है इस पूरी लाइन से ऊपर और इस पूरी लाइन से नीचे, तो ऊपर जाने पर दोनों क्वाड्रेंट आ जाएगा। आप देखेंगे कि इस लाइन से ऊपर में यह फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है और इस लाइन से ऊपर आपका सेकेंड क्वाड्रेंट भी है। तो इस तरह से यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट भी इसका वाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी वाई पॉजिटिव होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी वाई पॉजिटिव होगा। आप देख सकते हैं, आपको अब समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का साइन और वाई का साइन दोनों पॉजिटिव होता है। उसी तरह आपने ये भी समझा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स की साइन निगेटिव और वाई की साइन पॉजिटिव। अब जब ये पूरी लाइन के नीचे निगेटिव होता है वाई क्वाड्रेंट, वाई की साइन, तो यहां पे ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। तो अब आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की साइन क्या होती है, तो आप बताएंगे प्लस प्लस, सेकेंड में क्या होता है तो माइनस प्लस, थर्ड में क्या होता है तो माइनस माइनस, और फोर्थ में क्या होता है तो प्लस माइनस। तो ऐसे हम ये भी बोल सकते हैं, और एक्स ग्रेटर देन जीरो और वाई ग्रेटर देन जीरो, यहां भी हम बोल सकते हैं एक्स इज लेस देन जीरो और वाई ग्रेटर देन जीरो, यहां हम बोल सकते हैं एक्स इज लेस देन जीरो और वाई इज लेस देन जीरो, यहां हम बोल सकते हैं एक्स ग्रेटर देन जीरो बट वाई इज लेस देन जीरो। तो आप ऐसे सोचना कि अगर आपको टू और थ्री कोई पॉइंट दिया जाए और उससे पूछा जाए किस क्वाड्रेंट में है, तो टू भी प्लस है और थ्री भी प्लस है, तो आप सीधे बता दोगे कि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं दिया है, सपोज करो कि आपने उसको ऐसे दे दिया P और Q, बोल रहा है कि एक पॉइंट है P और Q और यह किस क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन उसने अभी कुछ नहीं बताया है कि यह P पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो अभी नहीं बताया जा सकता कि यह किस क्वाड्रेंट में होगा जब तक यह P और Q के साइन का पता ना चले। सपोज करो साथ में उसने यह भी दे रखा है कि P ग्रेटर देन जीरो और Q इज लेस देन जीरो, तो आप देख सकते हैं जब उसने P को ग्रेटर देन जीरो बताया यानी P इज ए पॉजिटिव
एंड क्यू इज लेस देन जीरो बताया तो क्यू इज निगेटिव, तो क्यू निगेटिव है। अब क्यू जब निगेटिव है तो यह आपका या तो वो थर्ड में होगा या फोर्थ में, लेकिन थर्ड में या फोर्थ में होगा, लेकिन पी को भी चेक करना है, तो पी का साइन आपका प्लस हो रहा है, तो इस तरह से आपका यह कोऑर्डिनेट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो इस तरह से आपने ये जाना कि हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलकर के चार पार्ट बनाते हैं, उस फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं वाई ओ एक्स पार्ट, सेकेंड क्वाड्रेंट को बोलते हैं वाई ओ एक्स डैश पार्ट, थर्ड क्वाड्रेंट को बोलते हैं ओ एक्स डैश वाई डैश पार्ट, फोर्थ क्वाड्रेंट को बोलते हैं एक्स ओ वाई डैश पार्ट। तो इस तरह से चार पार्ट हुए, और चारों पार्ट में आपने ये समझा कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का साइन क्या होता है। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट को हम देख करके बता सकते हैं कि वह किस क्वाड्रेंट में है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, यहां पर फिर से लिख दे रहे हैं फॉर वाई एक्सिस, ओ वाई पार्ट, पॉजिटिव, एंड ओ वाई डैश निगेटिव, या उसको आप बोल सकते हैं अप है तो पॉजिटिव, डाउन है तो निगेटिव। तो इस तरह से अब कुछ और बातें जानने की जरूरत है। हाँ, और आपने ये देखा कि जैसे ये ओरिजिन आपने अभी लिखा था, इसको ओरिजिन, तो ओरिजिन तो आप देख सकते हैं कि यह इस लाइन से ना वो लेफ्ट है ना राइट है ना अप है ना डाउन है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे। तो जब यह एक्स एक्सिस पर ना राइट कुछ चल रहा है ना लेफ्ट चल रहा है, तो एक्स एक्सिस पर वह जीरो चल रहा है, वाई एक्सिस पर ना वो अप चल रहा है इस पॉइंट से ओरिजिन से ना डाउन है, इसलिए वह वाई एक्सिस पर भी जीरो चल रहा है। तो इस तरह से आपने एक बात जाना कि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वह जीरो जीरो होता है। और एक बात ये जानिएगा, हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं, आप है पॉइंट ये है किसी पॉइंट का कार्टेशियन क्वाड्रेंट हम पढ़ रहे हैं, इसको इस सिस्टम को हम कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। जैसे हमारा पोलर क्वाड्रेंट भी होता है, पोलर पॉइंट भी होता है, बट यह आपके अभी लेवल में नहीं है, आप इसे क्लास 11 12 में पढ़ेंगे। तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि जो ये सिस्टम हम पढ़ रहे हैं उस सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, जिसमें अभी जैसे सपोज करो कि 3D होता, ये ऐसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, और सब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है ऐसे। आप बोलोगे पूरा सर्कल में 360 होता है, पर यहाँ 270 हो रहा है, बट ये 3D फिगर है, आपको पूरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे आप अपने मकान का किसी भी रूम का कोने को देख सकते हैं, उसमें आपका हॉरिजॉन्टल भी होता है, वर्टिकल भी होता है, और फिर एक और लाइन होती है, जैसे ये हमने दिखाया आपको, आप देख सकते हैं ये सब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी है, दिख रहा है ऐसे, तो यह एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी है, और एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक वाई एक्सिस होगा और एक जेड एक्सिस होगा। तो अगर उसमें किसी पॉइंट को लेना होता, सपोज करो कि यह पी है, तो एक एक्स होता है, एक वाई होता है, जेड होता है, ऐसे पॉइंट बोलते हैं 3D के लिए, एक्स क्वाड्रेंट, वाई क्वाड्रेंट और जेड क्वाड्रेंट। अब ये चीज़ें ये आपको अगले क्लास में मिलेगा, क्लास 11 12 में आप पढ़ोगे 3D। तो ये कार्टेशियन सिस्टम है। अब कुछ और
जानते हैं किसी पॉइंट के बारे में, आपने फिर से जाना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का साइन, सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस। बहुत ही इजी है, ध्यान से समझिएगा। जैसे बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ग्राफ कॉपी आप देखे होंगे, उस पर लाइन बनी रहती है, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी। चलो हम ग्राफ कॉपी में ऐसे बना दे रहे हैं, यहां पर हमने वन ले लिया, फिर यहां पर हमने टू ले लिया, हमने यहां पे थ्री ले लिया, यहां पर हमने फोर ले लिया, ये हमने फाइव ले लिया। इसी तरह आप देखेंगे ग्राफ कॉपी में बहुत नज़दीक नज़दीक लाइन बनी रहती है, बहुत ज़्यादा लाइन होती है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे दिखाया आपको वन टू, बट यहाँ पे माइनस होगा। जब आप जानते हो कि जब हम एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से राइट साइड में होते हैं तो प्लस चलते हैं, और लेफ्ट साइड में होते हैं तो हम माइनस चलते हैं। ये माइनस थ्री हो जाएगा, यह माइनस फोर होगा, यह माइनस फाइव होगा। इसी तरह यहाँ पर हमने प्लस वन ले लिया, प्लस टू ले लिया, प्लस थ्री ले लिया, प्लस फोर ले लिया, प्लस फाइव ले लिया। सपोज फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे माइनस वन होगा, माइनस टू होगा, माइनस थ्री होगा, माइनस फोर होगा, माइनस फाइव होगा। आपने इस एक्सिस पर अपने लाइन को शो किया, ये एक तरह से लाइन है, ये वन जो लिखा गया इसको आप एक लाइन ड्रा करोगे तो एक लाइन वन लाइन बन गया है, टू लाइन बनेगा, थ्री लाइन बनेगा, फोर लाइन बनेगा। अब हम कोई पॉइंट को दिख शो करना चाहते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर हम इसको लोकेट करना चाहते हैं, प्लॉट प्लॉट ए पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इसको हमको प्लॉट करना है, यही आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है। सपोज करो कि वो पॉइंट हमने ले लिया टू थ्री, ले लिया माइनस थ्री टू, फोर माइनस थ्री, माइनस टू माइनस टू। एक और बात जान लो अब बेटा, जैसे कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उस पर हमेशा वाई जीरो होगा, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पर अगर वो पॉइंट है तो वो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसलिए वहां पर एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस की वैल्यू जीरो। यहां पर ऐसे आप पॉइंट देकर देख सकते हैं, वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस एट एक्स एक्सिस इज जीरो, एंड वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस एट वाई एक्सिस इज जीरो। अगर वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उस पर एक्स की वैल्यू जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि वो है ना ओरिजिन से लेफ्ट जा रहा है ना राइट जा रहा है। सपोज करो कि हम यहाँ पे कोई पॉइंट हमारा है, तो ये पॉइंट अगर हमने वन लिया है, माइनस वन पे हम खड़े हैं, तो वो ना लेफ्ट जा रहे हैं राइट जा रहे हैं, तो यह वाई की तो वैल्यू हो जाएगी माइनस वन, लेकिन एक्स की वैल्यू जीरो। तो आपने क्या जाना कि अगर कोई पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है तो और वाई जीरो नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे वह वाई एक्सिस पे होगा, और वाई एक्सिस पर वह ओरिजिन से ऊपर होगा या नीचे वह डिपेंड करेगा आपके साइन से।
अगर पॉजिटिव साइन होगा तो ऊपर होगा, निगेटिव साइन होगा तो नीचे होगा। सपोज करो कि 0 2 दिया है, तो 0 2 दिया है तो 2 इज ए पॉजिटिव, देन हम ओरिजिन से 2 कॉलम ऊपर चलेंगे, 2 डिस्टेंस, ये हो गया 1, ये 2 यहां पड़ेगा, यहां। तो सबसे पहले यही जानने की जरूरत थी कि अगर किसी एक्स एक्सिस पर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो वहां पर हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट लेते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। जैसे देखिए इसको प्लाट करते हैं, 2 3 ध्यान से देखिएगा, आपके लेवल में है कि पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लाट करना है, ग्राफ कॉपी पे प्लाट करना है, किसी प्लेन 2D प्लेन में प्लाट करना है। जैसे 2 3 2 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, और 3 क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। तो 2 आप चलेंगे एक्स पे, बट 2 जब एक्स पे चलेंगे तो एक्स पर आप निगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे कि पॉजिटिव में, ये देखेंगे तो 2 इज ए पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे। चलिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, अब यहाँ रुके रहिए, 2 तक आप पहुँचे हो, लेकिन 2 तक अगर ये वाई 0 होता तो बस यहीं रह जाते, लेकिन वाई पे भी चलना है और वाई 3 चलना है, 3 यूनिट, लेकिन वह 3 यूनिट निगेटिव डायरेक्शन में चलना है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये देखने की बात है। तो आप देख सकते हैं 3 पॉजिटिव दिया गया है, तो इस तरह से 3 ऊपर चलेंगे, यहाँ आप देख सकते हो आप, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3, आप ऐसे आ जाओ, टू आपने एक्स पे चला और 3 आपने वाई पे, तो आप देख सकते हैं ये 2 3 है। इस पॉइंट को अगर ए नाम देते हो तो यही पॉइंट हमारा 2 3 होगा, और किस क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। चलिए -3 2 पे आते हैं, और -3 2 में आप देख सकते हो कि यह दिया गया है एक्स क्वाड्रेंट -3, तो आपको बताया गया है कि जब एक्स क्वाड्रेंट पे हम चलेंगे तो निगेटिव डायरेक्शन है, और तो लेफ्ट चलेंगे, -3 आइए, 1 -1 -2 -3, ये रहा, आप रुके रहिए यहाँ, अब +2 चल रहा है, 2 ऊपर चलेंगे कि नीचे, ऊपर चलेंगे क्योंकि पॉजिटिव है, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, यही आपका, ऐसे आप में ज्वाइन करा दीजिए ऐसे, तो इस तरह से ये आपका बन गया बी -3 2, सही है। इस पे सपोज करो कि हमने ले लिया, यहाँ पे सी दिया है 4 -3, 4 है एक्स कोऑर्डिनेट और 4 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे, एक्स के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन राइट होता है, तो ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, रुके रहिए, फिर आपको वाई पे देखना है, तो वाई -3 है, तो ये हुआ 1 -1 -2 -3, ये रहेगा आपका, ऐसे आ जाइए, तो ये आपका आएगा 4 -3, यह आपका सी कोऑर्डिनेट, और यह किस कोऑर्डिनेट में है, ऐसा भी पूछ सकता है कि यह पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में है, तो वो तो साइन देख के आप बता दोगे कि किस क्वाड्रेंट में है। लेकिन जब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस किसी की एक की वैल्यू 0 हो तो वह किसी क्वाड्रेंट में नहीं होता है, वह किसी एक्सिस पे होगा। अगर एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की 0 नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यह पॉइंट एट वाई एक्सिस, और अगर एक्स की वाई की 0 है और एक्स की 0 नहीं है तो हम कह सकते हैं दिस पॉइंट एट एक्स एक्सिस। तो ये बात उसको भी देखेंगे। चलिए आप आइए -2 -2, तो ये -2 -2 दोनों निगेटिव है, तो इस तो आपको सीधे समझ में आ गया होगा कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन ये कहाँ होगा, कैसे चेक करेंगे, तो चलिए आप एक्स पर निगेटिव डायरेक्शन में -2 चलिए, 2 चलिए, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, -2, और फिर भी उसमें भी -2 है तो नीचे चलना होगा, तो ये पॉइंट आपका होगा, ऐसे अगर आप करेंगे तो ये आपका आएगा डी -2 -2। तो इस तरह से कितने भी पॉइंट आपको दिए जाएं, उस पॉइंट को अगर प्लाट करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे अब आप देख लीजिए, हमने ले लिया ई 3 0, डी ले लिया -0 -4, तो 3 0 को दिखाना है, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू 3 है, एक्स डायरेक्शन पे जो यूनिट चलना है, और वाई की 0 है,
तो सबसे पहले ये तो समझना चाहिए कि x पे ही पड़ेगा क्योंकि y जीरो है, तो x पर ये थ्री दिया है तो थ्री आप देख सकते हैं, चलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में तो वन टू थ्री, अब y पे भी चलेंगे लेकिन y तो जीरो है ना, ऊपर जाएंगे ना नीचे, वहीं पे रहेंगे, तो इस तरह से यही पॉइंट आपका कहलाएगा थ्री जीरो। अब आइए जीरो माइनस फोर, एक्स की वैल्यू जीरो दी गई है, और जब x की वैल्यू जीरो है और y की जीरो नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यह पॉइंट y एक्सिस पे होगा, x कोऑर्डिनेट उसका जीरो है, तो ये y एक्सिस पे कहाँ होगा, ओरिजिन से ऊपर होगा कि नीचे होगा वो बताएगा उसका साइन, आप देख सकते हैं उसका साइन निगेटिव है इसलिए आप इसको नीचे ले आएंगे, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, यही पॉइंट आपका होगा डी हो चुका था ई एफ, यह पॉइंट आपका एफ होगा और यह है जीरो माइनस फोर। तो इस तरह से कोई भी पॉइंट हो आपका और अगर वह दिया गया है तो उसको आप प्लॉट कर सकते हैं, तो किसी भी कोऑर्डिनेट में आपको पहले पॉइंट आपने समझा, कोऑर्डिनेट समझा, क्वाड्रेंट कितने होते हैं, चार होते हैं, उसमें साइन उसका क्या क्या होता है, एक्स पर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव यूनिट डिस्टेंस चलते हैं, यहाँ पर निगेटिव डायरेक्शन में हम निगेटिव चलते हैं, डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होता है बट यहाँ कोऑर्डिनेट के लिए हमको पॉजिटिव और साइन ध्यान देना होगा, लेकिन जहाँ डिस्टेंस की बात आएगी वहाँ पॉजिटिव को ही लेना होता है, बट यहाँ कोऑर्डिनेट की बात आएगी तो पॉजिटिव निगेटिव आप दोनों को ध्यान में रख करके चलेंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ आगे की बातें पढ़ेंगे, थैंक यू।